जब मैंने लिफ्ट कराया तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें मुझे फेस करने को मिलेगी। जब फर्स्ट टाइम मैं घर लेके आया तो उनको थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या ले लिया बेटा, दिखा लेता। लाइक आपको शुरू में इसको 100-200 किलोमीटर चला के आपको पता लगेगा कि इसकी ब्रेकिंग कितनी देर में लगेगी। थोड़ी गाड़ी चलते चलते भी कुछ चूचा चूचा की हल्की फल्की आवाज आती है। इट इज नॉट अ प्राइमरी कार, इट इज अ वीकेंड कार आई वुड से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हमारे साथ है जीप की रूबिकॉन जो कि 2022 न्यू एडिशन है, और हमारे साथ हैं रणविजय जी जो इस कार के ओनर हैं। बेसिकली थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बता दूं, गाड़ी जो है वो 1986 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी और ये है 2022 फोर्थ एडिशन। इसका पेट्रोल वेरियंट 2 लीटर इंजन में आती है और सिर्फ ऑटोमेटिक इंडिया में आती है, और इसके सिर्फ 2 वेरियंट्स इंडिया में आते हैं, एक अनलिमिटेड और एक रूबिकॉन। अब बात करते हैं रणविजय जी से। रणविजय, वेलकम टू द चैनल, हाउ आर यू? ऑल गुड। रणविजय, सबसे पहले तो गाड़ी की रोड प्रेजेंस पे बात करते हैं, ये रूबिकॉन ही क्यों? रूबिकॉन एक्चुअली मेरे को एक स्टडी कार चाहिए थी, हार्ड कोर ऑफ रोडर, और गाँव की जो रोडें हैं वो थोड़ी उबड़ खाबड़ होती हैं। तो मेरी सोच थी कि एक ऐसी गाड़ी हो जो ऑफ रोडिंग में भी काम आए, थोड़ा बहुत मैं ट्रैवलिंग करूं तो उसके लिए भी बेटर हो, मतलब सोचना ना पड़े कहीं गाड़ी ले जाने से पहले। तो ये मेरी सोच थी, तो मैंने डिफेंडर और रूबिकॉन दो गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी। तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तो उनसे पूछा कि क्या लेना चाहिए, बिकॉज रूबिकॉन काफ़ी लोगों ने ली नहीं थी और डिफेंडर काफ़ी। तो मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि You should go for Rubicon because Defender already lots of people have it. So I just went for Rubicon. ठीक है। तो अभी जब आप लेके निकलते हैं रोड पे तो लोग रुक रुक के देखते हैं गाड़ी को, फोटोज लेते हैं आपके साथ में गाड़ी के साथ? हाँ, लोग काफ़ी ध्यान से इस गाड़ी को देखते हैं मुड़ मुड़ के कि क्या है एक्चुअली ये। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा इसमें हमने मॉडिफाई किया है टायर से, सस्पेंशन लिफ्ट किट से, तो उससे इसकी रोड प्रेजेंस और बेटर हो गई। जैसे मैं देख रहा हूँ टायर्स जो हैं ये जो कंपनी फिटेड आते हैं वो नहीं है, चेंज टायर्स हैं। तो थोड़ा कोई स्पेसिफिक स्पेशल टायर्स हैं, किस तरह के टायर्स आपने चेंज करवाए? बेसिकली जो इस गाड़ी में टायर्स आते हैं वो मड टेरेन टायर्स आते हैं। तो मड टेरेन रोड्स पे चलाने के लिए काफ़ी नॉइस करते थे। हाँ। तो मैं एक ऑल टेरेन टायर्स को मैंने सोचा कि क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने गाड़ी चलानी है वो सिटी में ही चलानी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे अलग अलग टायर्स। तो BF गुडरिच वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑल टेरेन टायर्स, जिसके मैंने रिव्यूज़ हर जगह पढ़े। तो बिकॉज इट इसके अंदर 32 इंच आते थे तो मैंने सोचा क्यों ना जब टायर चेंज ही करा रहा हूँ तो थोड़ा बिगर साइज ले लूँ। तो ये जो टायर इसके अंदर है ये है 35 12.5 R17। वैसे प्रोफाइल जो आती है R17 ही आते हैं, राइट? हाँ, वैसे R17 ही आती है, अलॉयज कंपनी फिटेड है लेकिन टायर 35 इंचेस। इसमें जब आप टायर का साइज चेंज करवाया तो गाड़ी भी थोड़ी सी अपलिफ्ट करवाई है या सेम वही है? सर, गाड़ी को हमें अपलिफ्ट कराना पड़ा क्योंकि 35 इंच टायर्स के लिए ये टच होता नहीं, तो ये अगर ऑफ रोडिंग करते तो इसमें टच होता, तो इसलिए इस गाड़ी के अंदर हमने कंपनी से ही लिफ्ट किट लगाई है। इसमें मोपार की 2 इंच लिफ्ट किट लगी है। ओके, सो ये टोटल मॉडिफिकेशंस में जैसे एक टायर हो गया आपने अपलिफ्ट करवाया है, और क्या क्या चेंजेस हैं कार में? इसके अंदर हम पूछेंगे कि क्या बजट आया आपका। इसके अंदर जैसे ये फ्लैप्स हैं ये ब्लैक कलर्स के होते हैं। हाँ। जो इसकी छत है ये भी ब्लैक कलर मैट फिनिश में होती है, रबड़ में, ठीक है। साइड बैक फेंडर्स भी होते हैं, इसमें एक रॉक रेल लगी होती है प्रोटेक्शन। अच्छा, के लिए ये भी चेंज बॉडी, तो ये साइड स्टेपर नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर लिफ्ट किट लगाई है और टायर्स चेंज हुए हैं, लाइट्स पूरी तरह से स्टॉक ही हैं, ये स्टॉक लाइट्स हैं इसके अंदर, और एक आर्म्स कंट्रोल आर्म्स, क्योंकि गाड़ी को जब हमने लिफ्ट किया था तो इस गाड़ी की जो अलाइनमेंट है फ्रंट और बैक की वो आउट हो गई थी, और पीछे से गाड़ी थोड़ा अंदर की तरफ पुश हो गई थी और आगे से थोड़ा बाहर की तरफ हो गई। अच्छा। तो उसको करने के लिए एक एडजस्टेबल कंट्रोल आर्म्स है जो अमेरिका से हमने मंगाई है, इंपोर्ट करवाया आपने। तो उसके बाद भी ये करेक्ट हुआ है क्योंकि गाड़ी को लिफ्ट कराना बहुत आसान है लेकिन इसको बैक टू फैक्ट्री फिटेड मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल है। बैक टू फैक्ट्री फिटेड ज्योमेट्री के लिए यू हैव टू वर्क आउट
स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जब मैंने लिफ्ट कराया तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें मुझे फेस करने को मिलेगी। जब मैंने टायर्स भी चेंज कराए और मैं इसको पूरा राइट या लेफ्ट करता था तो टायर्स लगते थे। हाँ। उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए मैंने इसमें स्पेसर्स लगाए हैं। ओके। तो चारों टायर्स के अंदर स्पेसर्स लगे हुए हैं, वरना इस विदाउट स्पेसर्स ये टायर अंदर लगते थे। अच्छा, ये भी एक इसमें इशू था। फिर जब मैंने लिफ्ट कराई थी तो मुझे पता नहीं था कि इसकी गाड़ी की जो ज्योमेट्री है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो एक दिन चलते चलते मैंने रियलाइज़ किया कि समथिंग इज़ नॉट राइट। तो देन आई वेंट ऑन गूगल एंड आई वेंट थ्रू सम ब्लॉग्स एंड देयर आई रियलाइज़ कि व्हेन यू लिफ्ट द कार देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द ज्योमेट्री, सो करेक्ट इट यू हैव टू हैव अ एडजस्टेबल कंट्रोल आर्म्स। तो फिर वो मैंने इम्पोर्ट करा के फिर वो लगाए। तो ये मैंने विद इन चलते हुए एक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। वो उसमें सिखा रहा था कि सब ठीक है, वो आपने जब अपनी ड्राइविंग से इसको रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, समथिंग इज नॉट राइट बिकॉज़ द गाड़ी वाज गोइंग आइदर लेफ्ट और राइट। अच्छा, सो आई वाज फीलिंग कि समथिंग इज नॉट राइट, अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ओके, आई आस्क्ड द कंपनी आल्सो, द कंपनी पीपल इन इंडिया डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस फॉर विद द लेफ्ट किट और समथिंग हैज टू बी करेक्टेड। ठीक है, तो इसके जो इंडिया में वेरिएंट्स हैं, जैसे मैंने बताया लिमिटेड और रूबीकॉन, रूबीकॉन जो है वो टॉप मॉडल है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 58 लाख के आसपास है। ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको ये? ऑन रोड वो समवेयर अराउंड 69 70 लाख, 70 के आसपास। और ऊपर हमने आपने ऊपर कितना खर्चा कर दिया? अराउंड अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास लग गए इसमें। तो 70 की ऑन रोड प्लस आप देख सकते हैं कि अराउंड 15 के आसपास भैया बता रहे हैं कि इस पे उन्होंने लगा दिया है। नेक्स्ट लेवल कार है, नेक्स्ट लेवल कैमरा में उतना आपको उसका फील नहीं आ पाएगा जो सामने आपको गाड़ी से देखने में आता है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा फन फैक्ट बता देता हूँ कि इससे मिलती जुलती एक लोअर सेगमेंट गाड़ी आती है, सब पहचान गए होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। टोटल इसकी कॉपी है, चाहे आप फ्रंट ग्रिल देख लीजिए, लोग पैसा खर्च करके ये ग्रिल लगवाते हैं, लाइट्स लगवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर LED DRLs हैं और नीचे इंडिकेटर्स हैं राइट में, और आप बैक लाइट देखें, आप इंटीरियर देखें तो आपको वो पूरी रिजेंबलेंस लगेगी, पूरी कॉपी की हुई है इस गाड़ी की। वो गाड़ी कौन सी है हम सब जानते हैं, तो ठीक है वो इंडियन मैन्युफैक्चर, हालांकि ये भी अब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आती है, पहले US से पूरी इंपोर्ट होती थी असेंबली के और यहाँ पे असेंबल्ड होती थी, अब ये पूरी यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी जो दिस इज द फर्स्ट टाइम जीप हैज मैन्युफैक्चर्ड द रूबिकॉन अदर देन अमेरिका, आउटसाइड अमेरिका एंड इन इंडिया दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर अब ये मैन्युफैक्चर इज अ मेड इन इंडिया मॉडल, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेसिकली। हां, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी थोड़ी नीचे आई है, पहले ज्यादा दे रिड्यूस अराउंड 7 टू 8 लाख रुपीस का फर्क पड़ा है। ठीक है, थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं रणवीर जी, हम इसको इंटीरियर दिखाते हैं गाड़ी का। दोस्तों आप जीप रैंगलर रूबिकॉन का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैंने बीच में सोचा कि आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। सामने जा रहे ट्रक के पीछे लिखा है ओके टाटा, जिसे देखकर मुझे याद आया कि आजकल मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा हूं कुको FM पे, जिसका नाम है टाटा स्टोरीज। बहुत ही इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक है। अगर आप कुको FM के बारे में नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है जहां पे कई सारी किताबों की ऑडियो समरी आपको हिंदी और रीजनल भाषा में मिल जाती है। यह एक मेक इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से भी ज़्यादा की रेटिंग मिली हुई है प्ले स्टोर पे। वैसे तो आमतौर पे इसका सब्सक्रिप्शन 399 रुपीस का है एनुअली, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं motor50, जो कि नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सिर्फ 199 रुपीस में ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बाहर बर्गर भी खाने जाते हैं ना तो इससे ज़्यादा का बिल बन जाता है, ये तो फिर भी 199 का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, एक बार ट्राई कर लो। और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर से चेकआउट करें। उतरते चढ़ते टाइम आपकी हाइट अच्छी है, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'11". तो आप उतरते चढ़ते टाइम कितना आपको कन्वीनियंस या कुछ थोड़ा सा रहता है? बेसिकली इस गाड़ी में साइड स्टेप्स नहीं आते, नहीं आते। हाँ, ये साइड स्टेप्स मैंने लगवाए हैं क्योंकि गाड़ी में चढ़ने में इतना इशू आ रहा था और इतना मुझे लगा कि ऑफ रोडिंग से ज़्यादा अभी कन्वीनियंस होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप बैठ के अपना दिखाइए, थोड़ा इशू होता है शुरू शुरू में, बट ग्रैब हैंडल पकड़ के अगर आप चढ़ो तो कोई फाइन। और ये कुछ एक दो चार दिन की बात है, जब उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, यू गेट यूज टू इट। और दूसरी चीज जो आपको ऊपर बैठ के एक फील आता है जिस हाइट पे आप बैठे हैं, वो इस हाइट से आप सभी गाड़ियाँ थोड़ी नीचे नजर आती है तो एक बहुत अच्छी फील आती है चलाते हैं। अच्छा रणवीर जी, एक चीज़ और बताइए, आपकी फैमिली का क्या कहना है गाड़ी के बारे में, वो कितना कंफर्टेबल रहते हैं गाड़ी में? फैमिली सी, दिस इज नॉट अ फैमिली कार टू बी रियली फ्रैंक। माय मदर डजंट लाइक इट, ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती होगी चढ़ने में। उनको शुरू में जब फर्स्ट टाइम मैं घर लेके आया तो उनको थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या ले लिया बेटा, दिखा लेता, बट ठीक है। वो मतलब पीछे की सीट्स भी मैं नहीं कहूँगा वेरी कंफर्टेबल है, इट इज़ नॉट
आई थिंक इट इज इट इट कैन नॉट बी द फर्स्ट कार. जो पीछे वाली सीट है ये एक जगह फिक्स है, ना तो आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं ना फ्रंट फॉरवर्ड कर सकते हैं. स्लाइड स्लाइड भी नहीं होती है. सो बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अभी धर्मशाला ट्रिप पे गया था, तो व्हेन यू हैव टू ट्रैवल फॉर लाइक 7-8-10 आवर्स नॉन स्टॉप, इट इज़ रियली नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन. अच्छा, एक जो चीज़ जो बैठते के, अब जैसे भैया ने बताया कि 5-6 घंटे के बाद आपको फील होगा कि यार कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, एक जो बैठते के साथ फील आ रहा है वो है अंडर थाई सपोर्ट. अंडर थाई सपोर्ट इसका बिल्कुल, मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, भैया की हाइट अच्छी है मेरे से, उस हिसाब से मेरे को ही अंडर थाई सपोर्ट कम आ रहा है. तो अगर आप पीछे बैठेंगे तो आपको और ज़्यादा फील होता होगा, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत कम है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कम है. दूसरा मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज इसका जो बैक डोर है वो काफ़ी छोटा है, तो आपको उतरने में चढ़ने में और स्पेशली ये जो हुक है ये थोड़ा इशू करता है. अगर आपके थोड़ा बिल्ट अच्छी है तो आपको उतरते चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है. फ्रंट में ये प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पीछे बहुत मेजर प्रॉब्लम है. अच्छा, अभी हम लोग गाड़ी के अंदर हैं और यहाँ आगे की सीट्स मच बेटर हैं पीछे की सीट से, और इंटीरियर तो एकदम प्रीमियम है. और रणवीर जी, आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें से इस इंटीरियर को, इस डैशबोर्ड को आप क्या रेटिंग देंगे, किस लेवल का है ये? सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड हार्डकोर इंटीरियर्स, एंड कोई फालतू फीचर्स नहीं है, जितने यूजफुल होने चाहिए वो सब है. इट्स रियली बेसिक एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले है गाड़ी में. ठीक है. और वायरलेस है, वायर्ड है? वायरलेस भी है और वायर्ड भी है. ठीक है, दोनों इसमें चलते हैं. और आई थिंक जो होना चाहिए गाड़ी के अंदर वो सब चीज़ें हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आप फील करोगे कि आप, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लग्जरी कार, सो उसके लिए बनाई भी नहीं, उसके लिए बनाई, बट इट इज रियली स्टडी, एवरीथिंग फील सॉलिड, जो भी आप फील कर सकते हो गाड़ी के अंदर बैठ के. एंड जो इंटीरियर है ये भी वॉशेबल है. Okay. And so, I think waterproof है basically. Waterproof है आप कह सकते हो, क्योंकि ये दो पैनल्स हैं जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. मैनुअल है ये, इसके ऐसे करके हुक्स खुलते हैं और ये निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं दोनों पैनल्स, तो ये भी एक इसकी खास बात है. और इसकी पीछे वाली रूफ भी निकल जाती है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 20 मिनट चाहिए और 3-4 आदमी चाहिए जो उसको निकाल के ढंग से रख सके. मतलब एक ऑप्शन दिया है कंपनी में कि अगर आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं या कहीं वेकेशन पे जाते हैं और आपको पूरी छत निकालनी है, तो पूरी छत जो है ये अलग हो जाती है, और पीछे जो बूट स्पेस है वो 900 लीटर्स का है. पूरी टूल किट आती है साथ में जिसको यूज करके आप इसकी छत अलग कर सकते हैं. फ्रंट में भी ये दो में डिवाइडेड है, ये वाली अलग होती है, वो वाली अलग बाहर होती है. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अगर ऑफ रोडिंग का मज़ा, आप एक तरह से सनरूफ नहीं है तो सनरूफ वाला मज़ा आप इसमें से निकल सकते हैं, ले सकते हैं. लेकिन बट द प्रॉब्लम इज फॉर एवरीथिंग, लाइक अगर आपने इसको उतार दिया तो फिर पीछे रखो और ला के रखना, तो दैट इज नॉट रियली कन्वीनियंट, बट ठीक है. अच्छा, अभी इस गाड़ी को आप कहाँ तक लेके गए हैं रणवीर जी? इस गाड़ी को मैं धर्मशाला तक, जयपुर तक लेके गया हूँ. तो कहीं पूरा ऑफ रोडिंग का इसका फील ले पाए अभी तक? बिकॉज ये बिल्कुल न्यू कार है आपकी, तो कहीं वो जिस कैपेबिलिटी के लिए बनी है. देखो, मैंने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो नहीं की और कोई ऐसा मेरे को मौका मिला नहीं है, बट ठीक है, जो छोटे मोटे ऑफ रोडिंग के पैचेस आते हैं उसमें मैंने कोशिश की, तो इट वॉज वेरी इजी टू गो. अभी फिलहाल जैसे 2H पे आप नॉर्मली चलाते होगे, 4L या 4H वगैरह पे मौका मिला चलाने का इसको? एक दो बार मैंने कोशिश की है, क्योंकि नई गाड़ी थी, मैंने सोचा कि यार एक बार यूज करके तो देखो, तो यही फार्म फूम पे अपने उतार के 4H लगा के मैंने कोशिश की थोड़े बहुत बाउंस वाउंस पे. तो जो भी हमने शॉट लिया था वहाँ पे आपको 2H में ही चल गया था या चेंज किया था? वहाँ 4 में लगा के मैंने एक बार, आज फर्स्ट टाइम मैंने स्वे बार डिस्कनेक्ट करके भी कोशिश की. अच्छा, स्वे बार डिस्कनेक्ट करके किया था. ये बता दूं मैं आपको, जैसे स्वे बार डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन है, ऑफ रोडिंग प्लस का ऑप्शन है. अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ये ऑन हो जाएगा. यहाँ फ्रंट और रियर डिफरेंशियल्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ से फ्रंट और रियर के डिफरेंशियल्स ऑन ऑफ हो जाते हैं. तो ये एक उस लेवल की गाड़ी है, जो आप प्राइस पे करते हैं उतना आपको वो रिटर्न में जो बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको. स्टेयरिंग किस तरह का है, हार्ड है, लाइट है? सर, मैं एक जो मैंने इस गाड़ी में फील किया कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कार,
in terms of when you are highway driving on highways. So you need to get used to this car. If you drive for like, आपको शुरू में इसको 100-200 किलोमीटर चला के आपको पता लगेगा कि इसकी ब्रेकिंग कितनी देर में लगेगी और स्टेयरिंग, क्योंकि थोड़ा सा चलते हुए भी थोड़ा भी अपना हल्का सा लेफ्ट राइट होता रहता है. इट इज नॉट वेरी रोड फोकस. आपने गाड़ी लेने के कितने टाइम बाद जो है वो ये सारे चेंजेस करवाए थे जो आप अपने बाद ये मैंने हाथ के हाथ करवा लिए थे? When I was thinking of buying a car, everything was in my mind ki what I have to do. आपने टायर ये चेंज करवाने हैं, ये टायर चेंज करवाने, because अगर आप इस बेसिक कार को देखोगे तो उसमें वो मजा नहीं आएगा. तो पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे ये चीजें करानी है. द रीजन व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज कि जब आप अपना शोरूम से गाड़ी लेके निकले तो आपके ये टायर्स उस वहीं पे फिटेड थे? जब शोरूम से मैं लेके निकला तो, लेकिन मैंने लिफ्ट किट शोरूम से इसलिए लगाई थी कि मेरी वारंटी लैप्स ना हो, और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी जीप से ही ले ली है. और टायर्स मैंने बाहर से लगाए क्योंकि टायर्स मेरे को इम्पोर्ट कराने पड़े, ये टायर इंडिया में साइज आता नहीं है. ओके, तो ये जो वॉबल करने का जो या फिर आपके स्टेयरिंग में जो वाइब्रेशन का इशू है, ये उस टाइम से ही था? ये बेसिक मेरा पर्पस था ये क्वेश्चन करने का कि ये चेंजेस कराने के बाद तो ये इशू नहीं आया है या ये पहले से ही था? सी आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने विदाउट बेसिक उसमें ज्यादा चलाई नहीं है गाड़ी. तो फ्रॉम द डे वन आई हैड अ लिफ्ट किट ऑन माय कार. ओके, एंड सेकंड डे आई गॉट माय टायर्स चेंज. सो पता नहीं वो पहले था या नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता है लिफ्ट होने से गाड़ी की थोड़ी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है और उससे थोड़ा सा इश्यूज हैं उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए. ठीक है, फॉर एवरीथिंग. बट अगेन एक चीज जो यहाँ पे जो रोड प्रेजेंस जो आपकी फील है ना गाड़ी की, वो बिल्कुल और पहले ही अलग थी और ज्यादा इनहेंस हो गई है इसको लगाने से. डेफिनेटली उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं. इसकी एक चीज और जो हमें बताऊंगा कि चारों डोर्स भी इसके अलग हो जाते हैं. दो दो नट लगे हुए हैं, आप उसको ओपन कीजिए, चारों डोर्स भी इसके अलग हो जाते हैं. उसी वजह से आपको डोर्स पे किसी तरह का कोई बटन नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉक अनलॉक के अलावा और कोई बटन नहीं मिलेगा बिकॉज दे डोंट वॉन्ट कि आपके एक्स्ट्रा वायर्स यहाँ पे दी जाए. आपकी जो पावर विंडोज की ऑप्शन है वो यहाँ से आपकी मिल जाएगी सारी. ये आप देख सकते हैं पावर विंडोज की ऑप्शन आपको यहाँ, और वन स्टेप डाउन है पूरी. एक चीज जो एक और मेंशन करना चाहूंगा, ये सिर्फ ऑटोमेटिक में आती है पेट्रोल 2 लीटर इंजन में, ये मैनुअल में नहीं आती है. तो इंडिया में बेसिकली जो है वो मैनुअल नहीं आती है, सिर्फ ऑटोमेटिक आती है. 8 स्पीड है, राइट? आई थिंक इट्स 8 स्पीड. 8 स्पीड आपको जो है ऑटोमेटिक मिल जाता है. तो रणवीर, इसको हाईवे वगैरह पे कितनी मैक्सिमम स्पीड पे अभी तक आपने चलाया है? ये मैंने हाईवे पे 140 तक में लेके गया हूँ. तो इन टायर्स के साथ पूरा स्टेबल रहती है? वैसे कोई इशू नहीं है टायर्स वगैरह के साथ. आई थिंक it is better with all terrain tires rather than the mud tires. इसमें जो साउंड जो रोड की साउंड है वो कैंसिल हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है. एंड इट इज मोर बेटर फॉर द रोड्स दिस ऑल टेरेन टायर्स बिकॉज़ द मड टायर्स, मेरे एक फ्रेंड के पास और भी कौन है जो मड वो चलते हैं, वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं. क्वेश्चन इररिलेवेंट सा है लेकिन बहुत से लोगों का पॉइंट होता है पूछना कि माइलेज कितना देती है. माइलेज तो डेफिनेटली जो लेते हैं वो इसको सोच के लेते हैं कि माइलेज कम होगा, फिर भी कितना आ जाती है? सी राइट नाउ आई एम गेटिंग अराउंड 5-6 ऑन एवरेज. तो यही माइलेज मुझे मिल रही है. कंपनी कहती है कि 8-9 दे देगी, पर प्रैक्टिकली आई थिंक मैंने टायर्स भी अपग्रेड कराए हैं और लिफ्ट किट लगाई है तो एरोडाइनिकली भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है उस चीज को फर्क पड़ा है. तो 5-6 की एवरेज, हाईवे पे मैक्सिमम 6 दे देगी, पर सिटी में तो 5 से ज्यादा एवरेज नहीं देती पेट्रोल में. अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर फैक्ट और है कि ये अब तक ये जितनी भी गाड़ी लग्जरी कार्स में जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उसमें सबसे ज़्यादा हाई रीसेल वैल्यू वाली गाड़ी ये मानी जाती है. दिस इज अ यंग मैन्स कार. दिस इज नॉट फॉर एनीवन टू जस्ट हैव इट फॉर एवरीडे ड्राइव. इट्स अ लेजर कार. सो इफ यू गॉट मनी टू स्पेयर एंड इफ यू वांट टू एंजॉय ट्रैवलिंग हियर एंड देयर एंड यू आर ऑफ रोड इन then you I think this is a good car to buy. basically enthusiasts hain jo pasand karte hain, pasand karte hain sturdy, there's no luxury, much luxury in the car. It's a basic car with all the necessity features. I would say it is front seats comfortable hai, rear comfortable nahi hai. thodi gaadi chalte chalte bhi kuch choocha choocha ki halki phalki awaaz aati hai because ki jaise top hai ye sab removable hai to itna ye fixed aur sturdy nahi hai. acha. हाँ, वो ऑब्वियसली जैसे अगर हम आपको रोड नॉइज भी आती है क्योंकि आई थिंक दिस इज लाइक ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर रूफ, सो इट्स नॉट वेरी इंसुलेटेड. सो तो हवा की आवाज थोड़ी सी आती है, रोड की नॉइज आ जाती है. ठीक है. अच्छा, इसका बूट स्पेस एक बार देख लेते हैं. बूट स्पेस इसका काफी बड़ा है, 900 लीटर्स के आसपास बूट स्पेस है. और आपको इस अगेन ये वाली चीज देख के जो है वो कुछ और याद आ रहा होगा कि कोई और गाड़ी भी है जो ऐसे ही खुलती है.
बट अगेन मैं कहूँगा वो कॉपी है पूरा, ये ओरिजिनल गाड़ी है जो। अच्छा ये बता, ये चीज़ जो है ये रोल केज है, और रोल केज का काम होता है कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और इन केस अगर आपकी गाड़ी जो है वो रोल ओवर हो जाती है, तो ये बेसिकली गाड़ी को वापस अपनी पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। नहीं, प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, कि ऊपर से जो छत है वो दबे ना, या और तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है रोल केज। तो जब आप पूरी इसको इसके ये सब उतार देते हैं और इसको ओपन बना देते हैं, तो असली जो इसकी लुक निकल के आती है। मैंने किया एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड टू गेट दिस पेंटेड, बिकॉज कंपनी से ब्लैक कलर में आता था। अच्छा, तो इट वाज रिमूव्ड फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैड टू गेट इट पेंटेड। तो उस टाइम गाड़ी ओपन थी, एक अलग फील थी, थोड़े दिन अलग, डेफिनेटली थोड़ी अलग आती होगी ना गाड़ी इसकी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा रणवीर जी, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसकी सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस कितनी है, अभी कितनी सर्विस हो चुकी हैं इसकी अभी तक? बिकॉज जस्ट पहली सर्विस हुई है, और पहली सर्विस में मेरा बिल आया था 42,000। अच्छा, एंड इट इज़ बेसिकली उसमें लेबर भी कोई लेबर चार्जेज नहीं होते, फ्री होता है, बेसिक ऑयल चेंज वगैरह हुआ है अभी तक। यहाँ आप सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा भी आता है इसमें? फ्रंट नहीं आता, रियर कैमरा यहाँ मिल जाता है, और ये आपको स्टॉप लाइट मिल जाती है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है कि उन्होंने सेंटर में ही आपको एलॉय के बीच में ही यहाँ पर जो है वो कैमरा दे रखा है। और आपको पीछे ये दो चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक दो तीन चार पार्किंग सेंसर, फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर हैं। हाँ जी, फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर। तो एक था ये हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको रूबीकॉन, जो कि एक ज़बरदस्त गाड़ी है, हर किसी का ड्रीम होता है गाड़ी, इस तरह की गाड़ी लेना, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये गाड़ी आज हमने कुछ डिफरेंट आपके लिए लाने की कोशिश की है। फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं रणविजय से। रणविजय, आप जो इस सेगमेंट की गाड़ी को लेना चाह रहे हैं, 70 लाख एक अच्छा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, और उसमें बहुत और लग्जरी कार्स भी आ जाती हैं, आप BMW से लेकर ऑडी पर कोई भी लग्जरी से लग्जरी भी उठा सकते थे, और वाई रूबीकॉन, मतलब एक रूबीकॉन आपने लिया, आप लोगों को जो है वो इसको रिकमेंड करेंगे? आई थिंक इट्स अ गुड कार, इट इज़ फॉर द यंग पीपल, एंड मेरा मानना है कि ये गाड़ी उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए जो शौक रखते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं। हाँ। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए आम हाँ। लोगों से हाँ। और कुछ भीड़ से अलग गाड़ी चाहिए, कोई डिफरेंट फ्लेवर you want, and you want a very sturdy car where you can take anywhere, you don't have to think anything before taking this car, you don't have to think twice before going anywhere, so huh? This is a good car, it's a bit heavy on your pocket in terms of maintenance and running costs, but I think it's a very good car to buy. And the road presence is excellent, the tension you get from the people is something which keep you excited to drive this car all the time. तो इसकी एक लास्ट और एक क्वेश्चन बनता है कि जीप की सर्विस आपको कैसे लगी, जीप जब आप लेके जाते हैं गाड़ी, तो एक एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे प्रिविलेज मिलता है कि आप रूबीकॉन लेके आए, या उसी लाइन में जहाँ मेरिडियन भी खड़ी है, कंपास खड़ी है? आई रियली वांट टू से टू द जीप पीपल, यू रियली हैव टू इम्प्रूव योर शोरूम, यू रियली हैव टू इम्प्रूव योर सर्विस स्टेशन, द कंडीशन ऑफ द सर्विस स्टेशन ऑफ द जीप्स आर नॉट अप टू द पावर ऑफ अ लग्जरी कार, आई एम टेलिंग यू, ना वहाँ पे वो स्पेस है, ना वो एक जो लग्जरी गाड़ियों के लिए जो सर्विस स्टेशन में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो हाइजीन होना चाहिए, दे आर स्टिल मिसिंग ऑन इट। यू कैन गो एंड विजिट एनी शोरूम, लैंडमार्क का मोतीबाग चले जाओ या गुड़गांव सर्विस स्टेशन चले जाओ, द शोरूम की आप क्लीननेस देख लो, इट इज़ नॉट अप टू पार। आई वुड रियली से कि वहाँ पे बहुत एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत, देयर इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट टू बी डन ऑन द जीप शोरूम एंड सर्विस स्टेशन। आई थिंक द पीपल ऑल्सो द सर्विस स्टाफ, यू नीड टू ट्रेन देम। तो ये एक अच्छा फीडबैक दिया रणविजय ने, और आई थिंक कि अगर आप जीप की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो इन चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है, बिकॉज द पर्सन हु इज़ एक्चुअली स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ही इज एक्चुअली विल एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सर्विस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस बेसिक फ्रॉम द सर्विस सेंटर, कि वहाँ पर जाएँ तो एटलीस्ट एक ठीक है, कोई ये नहीं मांगता है कि आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज उनको दीजिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन गाड़ी के बारे में पूरी नॉलेज ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, और एटलीस्ट वहाँ पे वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आपकी गाड़ी को चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो रणविजय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, बहुत मेहनत लगी, जैसे रणविजय ने बताया 2 महीने लगे इस वीडियो को लाने में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।